बाइडेन ने व्हाइट हाउस की तरफ बढ़ाया पहला कदम, हार मानने को तैयार नहीं है ट्रंप। जॉर्ज बुश ने कहा कि ट्रंप के पास दोबारा गिनती कराने का अनुरोध करने और इस कानूनी रूप से चुनौती देने का अधिकार है। अमेरिकी लोगों को भरोसा है यह चुनाव बुनियादी रूप से निष्पक्ष था। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस संभालने की दिशा में रविवार को पहला कदम बढ़ाया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक अपनी हार स्वीकारने के कोई संकेत नहीं दिए और लगातार चुनाव नतीजों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। दुनिया के तमाम नेताओं और समर्थकों की ओर से शुभकामनाएं मिलने के बीच बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने बदलाव की प्रक्रिया के लिए एक वेबसाइट और ट्विटर फीड की शुरुआत भी की है। ट्रंप चुनाव नतीजों को मानने से लगातार इनकार कर रहा है, जबकि रिपब्लिकन पार्टी के अधिकांश सांसद इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा कि परिणाम स्पष्ट है। उन्होंने बाइडेन को निर्वाचित राष्ट्रपति कहते हुए कमला हैरिस और उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। जॉर्ज बुश ने कहा कि ट्रंप के पास दोबारा गिनती कराने का अनुरोध करने और इस कानूनी रूप से चुनौती देने का अधिकार है। अमेरिकी लोगों को भरोसा है कि यह चुनाव बुनियादी रूप से निष्पक्ष था और इसकी अखंडता और बरकरार रखा जाएगा तथा इसका परिणाम स्पष्ट है। बुश ने बयान में कहा कि हमारे बीच राजनीतिक मतभेद है, लेकिन मैं जानता हूं कि जो बाइडेन एक अच्छा इंसान है जिन्हें देश का नेतृत्व करने और उसे एकजुट करने का मौका मिला है। हम अपने परिवार तथा पड़ोसियों की खातिर और हमारे राष्ट्र एवं उसके भविष्य के लिए एक साथ आना चाहिए। वेबसाइट में चार प्रमुख मुद्दे का प्राथमिकता के साथ रखा गया है, जिसमें कोविड, आर्थिक सुधार, नस्लीय समानता और जलवायु परिवर्तन शामिल है। इन चुनौती से निपटने के लिए एक टीम बाइडेन ने पदभार संभालने के दिन से काम करेगी।